प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, तो कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सब ध्यान से देखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रही हूं। मान लो हमने लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस मैंने लिया बेटा KI, AgNO3 प्लस KI, और मैंने इनसे बना दिया AgI प्लस KNO3। इससे मैंने क्या बना दिया, AgI प्लस KNO3। मैंने यहां पे लिखा जो AgNO3 है ये डिस्पर्स्ड फेज, और यहां पर जो ये KI है ना ये डिस्पर्जन मीडियम। व्हाट इज डिस्पर्ज फेज, ध्यान करो जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और लेसर क्वांटिटी में होता है, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और लेसर क्वांटिटी में होता है, इसका मतलब जो डिस्पर्ज फेज है ना ये आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। डिस्पर्ज फेज इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अब मैं बात करती हूँ डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे KI है और ये आपका बिहेव करता है सॉल्वेंट की तरह, ये एक्सेस में होता है। तो अब बेटा मतलब ये कह सकते हो AgNO3 तो यार लिमिटिंग रिएजेंट की तरह हुआ, पूरा कंज्यूम हो गया, और जो KI है ये आपका एक्सेस में था, ये पूरा कंज्यूम हो नहीं पाया, तो इससे कोलाइड बन गया AgI। और AgI के सरफेस पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ KI एक्स्ट्रा है तो थोड़े से K+ आयन और I- आयन एक्स्ट्रा बच गए, तो जितने भी I- आयन बचे है ना एक्स्ट्रा वो सारे आपके AgI के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे और उससे ये नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। उससे नेगेटिव चार्ज का क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टर्म को जो हम नाम देते हैं, इस टर्म का बेटा एक स्पेसिफिक नेम होता है, और वो स्पेसिफिक नेम क्या है, देखिए सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE पर्पज से। इस टॉपिक से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और वैसे CBSE में भी आता है। अब आप इसी एग्जाम्पल को देखो, ये पहला एग्जाम्पल मेरा था, अब मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, सब ध्यान से देखना बेटा, फिर आपको समझ में आएगा दोनों में क्या चेंजिंग मैंने की। देखिए मैंने फिर से सेम रिएक्शन लिखी AgNO3 प्लस फिर से मैंने क्या लिया KI, इन दोनों से फिर से मैंने क्या बना दिया AgI प्लस फिर से मैंने क्या निकाल दिया KNO3। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इस बार मैंने कुछ चेंज किया। चेंज क्या किया, अब की बार मैंने AgNO3 को बनाया डिस्पर्जन मीडियम। अब की बार हमने AgNO3 को क्या बनाया, डिस्पर्जन मीडियम, और इस बार मैंने KI को बनाया डिस्पर्ज फेज। तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखें, दोनों में रिएक्शन तो सेम है, लेकिन पहले केस में मेरा AgNO3 डिस्पर्ज फेज था, लेकिन इस केस में मेरा AgNO3 डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है। मतलब इस बार AgNO3 एक्सिस में है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो बन गया AgI, लेकिन अब की बार इसके सरफेस पे, अब आप देखो इस बार डिस्पर्जन मीडियम एक्सिस में कौन सा सॉल्वेंट है, AgNO3 है, तो एक्स्ट्रा इस बार Ag पॉजिटिव आयन है और NO3 नेगेटिव आयन है, तो AgNO3 और AgI इन दोनों में क्या कॉमन है, Ag पॉजिटिव आयन कॉमन है, तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा Ag पॉजिटिव आयन है
वो सारे सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एजी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एजी पॉजिटिव। तो इस बार कोलाइड कैसा बना, पॉजिटिव चार्ज बना। इस बार जो आपका कोलाइड बना वो किस चार्ज का प्रिपेयर हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का कोलाइड बना है। तो आपने बेटा एक बात नोट की, मैंने दो रिएक्शन की, दोनों रिएक्शन मेरी बिल्कुल सेम है, AgNO3 है और KI है। नीचे वाले में भी AgNO3 है और KI है, फिर फर्क क्या है दोनों में, एक में AgNO3 एक्सेस में है, एक में KI एक्सेस में है। पहले केस में आपका KI एक्सेस में था, KI एक्सेस में था तो नेगेटिव चार्ज का कोलाइड बना, और सेकंड केस में AgNO3 एक्सेस में है तो पॉजिटिव चार्ज का कोलाइड बना। तो सिंपल सी बात है, ऑल द कोलाइड्स आर चार्ज्ड स्पीसीज, जितने भी कोलाइड्स होते हैं ऑल द कोलाइड्स आर चार्ज्ड स्पीसीज, सबके सब चार्ज स्पीसीज होते हैं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव वह कैसा भी हो सकता है। तो कोई भी कोलाइड है वो केमिकल रिएक्शन मेथड से पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बनेगा या नेगेटिव चार्ज कोलाइड बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसमें कौन से चार्ज का आयन कॉमन भी है और एक्सेस में भी है। तो पहले में दो आयन एक्सेस में थे, के प्लस और आई माइनस, अब AgI के लिए कौन सा आयन कॉमन था, आई नेगेटिव, और सेकंड केस में एक्सेस में है AgNO3, तो इस बार AgI के लिए कौन सा आयन कॉमन है, Ag पॉजिटिव। तो एक में तो फॉर्मेशन हुई पॉजिटिव चार्ज कोलाइड की और एक में फॉर्मेशन हुई नेगेटिव चार्ज कोलाइड की। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट लगा था, कंसेप्ट इज सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, कि कौन सा आयन जाके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा कोलाइड कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज्ड और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कई बच्चे इतना लेट आते हैं अटेंडेंस लेके, जा भी चुके गौरव सर, टाइम से आया करो सारे। हाँ भी कर लोगे, ये बताओ मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में डलता ही डलता है, तुम्हें ये बात समझ में आई। बोलो बेटा। यस मैम। कोई डाउट है इसमें, किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, पक्का समझ में आ गया इसका कंसेप्ट भाई, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, रेज योर हैंड, क्योंकि कोलाइड की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का, कोलाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैम एक बार ये सेकंड पॉइंट फिर से बता दो बेटा। प्रिया देख, सेकंड पॉइंट में क्या है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है AgNO3 और KI, एक बार आप इन दोनों में देखो, मैंने रिएक्शन तो बिल्कुल सेम ही लिखी है, AgNO3 + KI, मैंने दोनों में बनाया भी सेम है AgI + KNO3, लेकिन आपने देखा एक बार तो मैंने AgI पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया और एक बार मैंने AgI पे Ag पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, तो ये मैंने कैसे कर दिया। तो एक बार तो मैंने कोलाइड बना दिया नेगेटिव और एक बार मैंने कोलाइड बना दिया पॉजिटिव, क्योंकि बेटा प्रिया सेकेंड एग्जाम्पल में AgNO3 एक्सेस में है, मतलब ये पूरा कंज्यूम नहीं हो पाया, तो यहाँ एक्स्ट्रा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन बच रहे थे, तो एक्स्ट्रा Ag पॉजिटिव आयन जो है ना वो सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए AgI के, तो उससे कैसा चार्ज इकट्ठा हो गया सरफेस पे, पॉजिटिव, तो उससे कोलाइड प्रिपेयर हो गया, किस चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज, उससे कोलाइड प्रिपेयर हो गया पॉजिटिव चार्ज का। बात को समझे? यस मैम। चलो तो करें अब नेक्स्ट। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखिए एग्जाम में इसे क्वेश्चन कैसे आता है, अब देखिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन, पूरी क्लास ध्यान से देखना बेटा, ये है के आई और ये काम कर रहा है डिस्पर्जन मीडियम का, और इसमें भरा हुआ है AgNO3। ये डायग्राम एग्जाम में आ गया और आपसे पूछा बताओ क्या होगा, तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा है AgNO3 को डाला जा रहा है किसमें, KI में, तो जिस चीज को डाला जा रहा है वो तो डिस्पर्ज फेज होता है, सोल्यूट की तरह बिहेव करता है,
तो AgNO3 यहाँ पे डिस्पर्च फेज है और किसमें डाला जा रहा है, KI में, तो KI यहाँ डिस्पर्शन मीडियम है। तो अभी आप लोग मुझे आंसर दें कैसा कोलाइड बनेगा, रिएक्शन लिखोगे एग्जाम में और फिर बताओगे कोलाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सारे मिलके बताओ मुझे AgI के सरफेस पे कौन सा आयन आएगा? K पॉजिटिव। या तो Ag पॉजिटिव आएगा या I नेगेटिव आएगा। मयंक बता बेटा। I नेगेटिव। हाँ जी, क्योंकि इस बार ये एक्सेस में है। तो KI और AgI इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? I नेगेटिव। तो सरफेस पे बहुत सारे I नेगेटिव आयन आके एडजॉर्ब हो जाएंगे और उससे नेगेटिव चार्ज का कोलाइड बन जाएगा। ठीक है, अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्स्ट्रा K पॉजिटिव कहाँ गए। भाई जितने भी एक्स्ट्रा I नेगेटिव थे सारे सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गए ना, तो ये एक्स्ट्रा K प्लस कहाँ गए ये अभी आगे समझाओगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बताओ भाई तुम्हें ये समझ में आ गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जब FeCl3 है, FeCl3, अगर हम FeCl3 को हॉट वाटर में डालते हैं या एक्सेस ऑफ वाटर में डालते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है व्हाट हैपेंस व्हेन। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन FeCl3 एडेड इनटू हॉट वाटर। तो जब भी FeCl3 हॉट वाटर में जाता है ना, तो उससे हाइड्रेटेड ऑक्साइड तो बनता ही है और सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव आयन इकट्ठा होता है। तो आंसर बुक में जो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन में, वो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज कोलाइड का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन FeCl3 हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर। तो जब भी आप FeCl3 को हॉट वाटर में डालोगे तो हॉट वाटर में डालने पर पॉजिटिव चार्ज का कोलाइड बनेगा। और सेकंड है, जब भी आप FeCl3 को NaOH के सॉल्यूशन में डालोगे, एक्वस NaOH में डालोगे, तो नेगेटिव चार्ज का कोलाइड बनेगा। NaOH एक्वस हमने लिया तो इससे बनेगा बेटा Fe2O3 into x small of H2O और सरफेस OH नेगेटिव नेगेटिव आयन आके एडजॉर्ब होंगे और इस बार बनेगा नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइड पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव वो इस बात पे जाके डिपेंड करता है कि कौन सा आयन सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है। तो ये आपको करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस व्हेन FeCl3 एडेड इनटू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, तब तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बनेगा, और अगर एक्वस NaOH में डालोगे तभी नेगेटिव चार्ज कोलाइड बनेगा। ठीक है, कर लोगे। तो कंक्लूजन जो इस टॉपिक से निकल के आया, कंक्लूजन इज दैट ऑल द कोलाइड्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड, सॉरी ऑल द कोलाइड्स आर चार्ज स्पीसीज, सबके सब कोलाइड चार्ज स्पीसीज होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहां तक कर लोगे। तो अब इसके आगे करते हैं बेटा, देखिए देखो क्या, तो अब हम यहां पे एक टेबल करेंगे और टेबल से आपको ना ये याद करना है कि कोलाइड जो है हमारा वो किस चार्ज का है। कोलाइड मैंने बताया दो ही चार्ज के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, या होता है नेगेटिव चार्ज कोलाइड। कोलाइड्स आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा कोलाइड है वो किस चार्ज का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑल द मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि TiO2, SnO2, कोई भी मेटल हो, सभी मेटल के ऑक्साइड्स पॉजिटिव चार्ज कोलाइड होते हैं। सेकंड है ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स
जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे मान लो FeOH की होल थ्राइस, CDOH की होल ट्वाइस, जितने भी मेटल की हाइड्रोक्साइड्स हैं, ऑल आर पॉजिटिव चार्ज कॉर्पोरेट। थर्ड है बेटा, ऑल मेटल हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ऑल मेटल हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जैसे बेटा मेटल का हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, ये हो गया Fe2O3 into x मोल ऑफ H2O, तो मेटल का ऑक्साइड है, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, सबके सब पॉजिटिव चार्ज कोलाइड में आते हैं। फोर्थ, जितने भी बेसिक डाइज है, जो कलर डाई होती है ना बेटा, जितनी भी बेसिक डाई है, जैसे आपका मिथाइलिन ब्लू हो गया, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू या प्रशियन ब्लू, ये सब भी आपका बेसिक डाई के, बेसिक डाई जो है ये सब भी आपकी इसी में आती है। और लास्ट आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड में होता है ना हीमोग्लोबिन HB, ये भी पॉजिटिव चार्ज कोलाइड होता है। तो ये आपकी पूरी टेबल हुई पॉजिटिव चार्ज कोलाइड की, जितने भी मेटल के ऑक्साइड है, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड है, जो भी मेटल के हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, जो बेसिक डाइज है और जो हीमोग्लोबिन है, ऑल ऑफ दीज आर कम्स अंडर पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स। अब हम करेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज कोलाइड के एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट, All kind of metals, जितने भी metals है, कोई भी हो, जैसे Au, Pt, Ag, जितने भी metals है, all are negative charge collide. सभी metal के sulfides, सारी metal के sulfide, जैसे arsenic sulfide हो गया, As2O3, cadmium sulfide हो गया, zinc sulfide हो गया, जितने भी मेटल के सल्फाइड है, सबके सब आते हैं नेगेटिव चार्ज कोलाइड के अंदर। अगला है जितनी भी एसिडिक डाई होती है, जैसे कि ईओसीन है, कोंगो रेड है, ईओसीन है, कोंगो रेड है, ऑल एसिडिक डाई कम्स इन नेगेटिव चार्ज कोलाइड। फोर्थ, जितने भी लायोफिलिक कोलाइड, जितने भी लायोफिलिक कोलाइड है, जैसे बेटा क्ले, चारकोल, जिलेटिन, एग एल्बुमिन, ठीक है, स्टार्च, ये सब। और आखिरी है ब्लड। बेटा हीमोग्लोबिन तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है और जो ब्लड है वो नेगेटिव चार्ज कोलाइड है, तो फिर तो हीमोग्लोबिन और ब्लड अपोजिट चार्ज के हो गए, तो आपस में अट्रैक्ट होके कोएगुलेट हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी खून जमता नहीं है, फ्लो करता रहता है, क्योंकि ब्लड में हिपेरिन नाम का पिगमेंट होता है जो एंटी ब्लड कोएगुलेंट होता है। ब्लड नेगेटिव चार्ज का है, HB पॉजिटिव चार्ज का है, फिर ये दोनों आपस में कोएगुलेट क्यों नहीं होते, जमते क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड में हिपेरिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि एंटी कोएगुलेंट होता है, जो कि ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। तो बेटा आगे एक टॉपिक आएगा हार्डी सेल्यूज रूल, और उस टॉपिक को करने के लिए आपको ये टेबल याद करनी मैंडेटरी है, मस्ट है ये टेबल, याद नहीं होगी तो आगे जो आपका टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन आपको करना है, वो सही नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये टेबल तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट तो वैसे कुछ होगा नहीं, कुछ है तो बताओ, कर लोगे ना बेटा ये टेबल? यस मैम। चलो करें इसके आगे, देखिए देखिए बेटा आगे, अब हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ
डबल लेयर, थ्योरी ऑफ डबल लेयर, या इसी को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी, थ्योरी ऑफ डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है डबल लेयर थ्योरी। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है, अभी मैं आपको समझाना चाहूंगी। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिया, के आई प्लस ए जी एन ओ थ्री, इससे मेरा बन गया ए जी आई प्लस के एन ओ थ्री। ठीक है, ये है मेरा डिस्पर्ज फेज और ये है डिस्पर्जन मीडियम। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज एक्सेस में है तो इन दोनों में कॉमन है ए जी पॉजिटिव, तो सरफेस पे ए जी पॉजिटिव आए ना कि एडजोर्ब हुआ, तो उससे पॉजिटिव चार्ज का कोलाइड बन गया। अब देखो क्या हुआ, ये बेटा ए जी आई नाम का एक कोलाइड बना, ओके और इसके सरफेस पे Ag पॉजिटिव आयन आके एडजोर्ब हो, एक वीक वंडरवाल फोर्स से Ag आई के सरफेस पे कौन से आयन आके जुड़ गए, Ag पॉजिटिव आयन यहां एडजोर्ब हो गए वीक वंडरवाल फोर्स से, तो ये तो एक फिक्स लेयर होगी, फिक्स्ड या स्टेशनरी लेयर होगी, फिक्स्ड और स्टेशनरी लेयर। ठीक है कि भाई जितने भी एजी पॉजिटिव थे वो सब के सब एजी आई के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गए, तो ये लेयर तो कैसी होगी, फिक्स्ड, और साथ में यहां पे एक्स्ट्रा एनओ थ्री नेगेटिव आयन भी तो थे, वो कहां गए, तो जो आपके एक्स्ट्रा एनओ थ्री नेगेटिव आयन है वो अब भी घूमते रहेंगे डिस्पर्जन मीडियम में, ये अब भी कहां प्रेजेंट है, इन डिस्पर्जन मीडियम, और ये इसके अंदर घूमते रहेंगे, तो ये लेयर कैसी बनेगी, मोबाइल। तो बेटा ये लेयर मूव करेगी, मोबाइल होगी। तो आपने क्या देखा, जब सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन हुआ आयन का तो उससे एक लेयर तो आपकी होगी फिक्स, और उस फिक्स लेयर के बाहर किसके आयन घूमते रहे, NO3 नेगेटिव के, तो ये लेयर कैसी होगी, मोबाइल। तो यहां दो तरह की लेयर बनेगी, एक तो फिक्स लेयर और एक मोबाइल लेयर, इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी, इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी। तो बताओ बेटा आपको ये बात समझ में आ गई, बोलो। यस मैम, इसमें कोई डाउट है तो बताइए बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो ठीक है, समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारी अब जीटा पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, अभी देखो अभी टॉपिक हमने किया थ्योरी ऑफ डबल लेयर, एक बार फिर देख लो उस टॉपिक को आप। जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास AgNO3 था, सॉरी बेटा AgNO3 नहीं, AgI,
ठीक है, ये ए जी आई था। इस बार मान लो मैं इसके सरफेस पे बहुत सारे आई नेगेटिव आयन ले आई, तो ये लेयर तो कैसी होगी, फिक्स्ड, और ये नेगेटिव चार्ज का कोलाइड बन गया, फिक्स लेयर होगी और नेगेटिव चार्ज का कोलाइड बन गया। अब साथ में इसके यहां जो एक्स्ट्रा के पॉजिटिव आयन थे वो घूमते रहेंगे, ये लेयर कैसी होगी, मोबाइल लेयर होगी इन डिस्पर्जन मीडियम। अब तुमने एक बात नोट करी, जब यहां पे दो तरह की लेयर बनी, फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर, तो इन दो लेयर के बनने से चार्ज का सेपरेशन हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया। एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज की लेयर होगी, एक तरफ पूरी पॉजिटिव चार्ज की लेयर होगी। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो गया, जिसे हम जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप क्या कहोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अराइज बिटवीन द मोबाइल लेयर एंड स्टेशनरी लेयर ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, समझ गए ना, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ओके, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है बिटवीन द मोबाइल लेयर एंड द फिक्स्ड लेयर ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। बताओ बेटा आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये आपका टॉपिक हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का। इसके टॉपिक का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे डबल लेयर थ्योरी हो, चाहे पहले वो करवाया कोलाइड कैसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो किस बात पे डिपेंड करता है, चाहे जीटा पोटेंशियल हो, इसमें हर टाइम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ओके, तो अभी मैं इस क्लास को एंड करती हूँ, फटाफट से दूसरी क्लास में आ जाओ साथ साथ, अभी इसी लिंक पे। हाँ, इसी लिंक पे।